नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नया कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है ताकि सभी बिजनेसमैन का जीएसटी नंबर चेक किया जा सके, क्या उन्होंने अपना जीएसटी नंबर अपने बोर्ड पे डिस्प्ले किया है। दोस्तों, ये कैंपेन 50 सितंबर तक चलाया जाएगा और ऐसे बिजनेसमैन का पता लगाया जाएगा जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है लेकिन उन्होंने अपना जीएसटी नंबर अपने शॉप के डिस्प्ले बोर्ड पर नहीं दिखाया है। दोस्तों, यदि ऐसा होगा तो उस केस में 50,000 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी कि 25,000 रुपये की CGST एक्ट के अंतर्गत और 25,000 रुपये की SGST एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, ऐसे ही कैंपेन पंजाब में चलाया जा रहा है CBIC के द्वारा, जहां पे के GST नंबर वेरीफाई किए जाएंगे बिजनेसमैन के, ताकि जो GST की कलेक्शन है उसे बढ़ाया जा सके। दोस्तों, GST डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वेरीफिकेशन की जाएगी और 9 वार्ड में डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है और 14,000 फर्म्स को चेक किया जाएगा कि क्या उन्होंने अपने मेन बोर्ड पे अपने GST नंबर को डिस्प्ले किया है। तो दोस्तों, आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि अभी तक आपने अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अपना GST नंबर नहीं डिस्प्ले किया है तो आप जल्दी से डिस्प्ले कर दीजिए ताकि आप इस पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप GST में रजिस्टर्ड है एज ए कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, तो उस केस में आपको अपनी बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर लिखना होता है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। इसी प्रकार दोस्तों, आपको अपने नोटिस पे या फिर जो साइन बोर्ड होता है जो कि आप प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले करते हैं अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, वहाँ पे भी आपको ये मेंशन करना है कि आप कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति GST में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं वो GST चार्ज नहीं कर सकते हैं अपनी इनवाइसिस पे। दोस्तों, GST में यदि आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम ली जा सकती है 50 लाख रुपीज़ तक यदि आपके एनुअल टर्नओवर है। तो देखा गया है कि बहुत से रेस्टोरेंट और ढाबा ओनर जो हैं जिनकी के टर्नओवर 50 लाख से कम है और जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है वो GST कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे टैक्स पेयर के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, GST डिपार्टमेंट के द्वारा सबसे पहले उन बिजनेसमैन को चेक किया जाएगा जिन्होंने के ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है GST के रिटर्नों में। तो इस प्रकार जो GST नंबर डिस्प्ले किया गया है उसे GST डिपार्टमेंट के द्वारा चेक किया जाएगा कि क्या उस GST नंबर के द्वारा सरकार को GST डिपॉजिट किया गया है या नहीं। दोस्तों, आप अपनी कॉम्प्लायंस टाइमली कर लें। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।